हेलो एवरीवन आज हम समझेंगे कंबाइंड लिवरेज की कंबाइंड लिवरेज होती क्या है देखो हम पहले ही बता चुके हैं कि लिवरेज मींस क्या है कि अगर कोई भी फिक्स कॉस्ट या फिक्स चार्ज पे करना पड़ता है तो इट मींस फॉर्म में क्या है लिवरेज है तो लिवरेज के साथ यहाँ पर क्या वर्ड जुड़ गया कंबाइंड तो कंबाइंड लीवरेज का क्या मीनिंग होगा कि जो हमारे लीवरेज के टू टाइप्स थे फाइनेंशियल लीवरेज प्लस ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों को क्या कर दिया गया है मर्ज कर दिया गया दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज इट मीन्स जित जो हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकल के आएगी और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आएगी उन दोनों को क्या कर दिया जाएगा कंबाइन कर दिया जाएगा इनकी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज तो पहले इसके मीनिंग्स को जान लेते हैं कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो सबसे पहले हम उस वर्ड्स के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें जो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करें वो बहुत ही अच्छी तरह से कवर होगा और इससे हमें बुक में से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम अपने आप ही उसके बारे में सब कुछ लिख पाएंगे तो द फर्म एबिलिटी टू कवर द एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल चार्ज इज़ ट्रम्ड एज कम्बाइंड लिवरेज देखो ये इसके नाम से ही हमने बता दिया था कि कंबाइंड लिवरेज इट मींस फिक्स्ड ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल फाइनेंशियल चार्ज यानी कि जो फाइनेंशियल हमारी क्या थी फाइनेंशियल थी और फिक्स्ड ऑपरेटिंग यानी कि जो हमारी क्या थी ऑपरेटिंग थी दोनों को अगर एग्रीगेट कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम कंबाइंड लिवरेज तो अब इसे एक फॉर्मूले की तरह है? उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस तरह से हमारी डिग्री ऑफ़ ऑपरेटिंग लीवरेज या डिग्री ऑफ़ फाइनेंशियल लीवरेज इन दोनों पर रिस्क होता है उसी तरह से हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज पर भी रिस्क होता है क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अगर इन दोनों को टोटल कर दिया जाए यानी कि एग्रीगेट कर दिया जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज भी हमारी क्या हो जाती है इनक्रीज़ हो जाती है क्योंकि जितनी ज़्यादा लिवरेज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा रिस्क होगा और दोनों को ऐड करने के बाद टोटल टो टो रिस्क निकल के आता है इससे ये क्या होता है हमारे डिसीजन में हेल्पफुल होता है कोई भी अगर हम फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो उनमें ये हमारी क्या करता है हेल्प करता है तो फार्मूला जानते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज सबसे सिंपल अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आती है निकालने तो दोनों के आंसर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारी क्या निकल के आती है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज और हाँ एक बात यहाँ पर भी जो हमने पहले बताया था कि वन वाला फॉर्म यहाँ पर भी अप्लाई होता है वन वाला रूल की अगर लीवरेज है तो वैल्यू क्या आएगी वन से ज़्यादा आएगी यही हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में बताया था और यही डिग्री ऑफ़ फाइनेंशियल लीवरेज में बताया था कि आंसर वन से ज़्यादा आएगा क्योंकि अगर वन आ गया तो इ मीनस एग्जिस्ट नहीं करती है तो परसेंटेज चेंज इन ई परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये हमारा किसका फॉर्मूला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का और डिग्री ऑफ़ फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा क्या फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट हो जाता है कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला बना है कि अगर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस में कितने परसेंट चेंज हुआ है और सेल्स में कितने परसेंट चेंज हुआ है दोनों को रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी कंबाइंड लीवरेज की डिग्री निकल के आएगी एक अदर फार्मूला भी है अगर आपस में कंपैरिजन की वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तो हम दूसरे फार्मूले को यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ़ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ़ फाइनेंशियल लीवरेज तो यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले में जो हम इनकी यूज़ करते हैं वहीं यहाँ पर यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है ई बी आई टी डिवाइड बाई ई बी टी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स अब ई बी आई टी से ई बी आई टी हमारा कैंसिल हो जाता, तो जाता है EBIT, तो बच क्या जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी अर्निंग बिफोर टैक्स तो डिग्री ऑफ़ कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए एक फ़ॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और हाँ अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है उसमें से हम क्या करते हैं प्रॉफिट का जो डिविडेंड होता है उसको वन माइनस टैक्स से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या करते हैं लेस करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के बाद ही टैक्स कैलकुलेट होता है तो टैक्स काटने सॉरी हाँ प्रेफरेंस शेयर्स पे जो टैक्स लगता है उसकी वैल्यूज को काट के ही हम क्या करते हैं अर्निंग बिफोर क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स लेना है हमें टैक्स से पहले की वैल्यू लेनी है तो प्रेफरेंस शेयर्स की भी टैक्स से पहले की वैल्यू लेंगे और उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकलाएगी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज और प्रेफरेंस शेयर्स को इसमें लिवरेज में क्यों ऐड किया जाता है क्योंकि इस पर भी जो डिविडेंड देना पड़ता है वो फिक्स ही होता है क्यों क्योंकि जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनको बाद में मिलता प्रेफरेंस शेयर्स का प्रॉफिट क्या होता जाता है ऐड होता जाता है अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उनकी परसेंटेज ऐड होती जाती है तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में है तब भी क्या मान कहते हैं कि लिवरेज है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंबाइंड लीवरेज क्या होती है और इससे पहले जो हमने तीन वीडियो डाली थी लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज उन दोनों को भी देख लेना क्योंकि अगर उन चारों इन चारों वीडियोस को और एक लास्ट में हम वीडियो डालेंगे एग्जांपल की अगर इन पांचों वीडियोस को आप देख लेते हो तो आपको लिवरेज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हाँ ये हमने हर एक पॉइंट को एक एक जो मेन पॉइंट है उनको ऐड करने की कोशिश की है अगर फिर भी कुछ रह गया है या आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स थैंक यू और अगर आप किसी और टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए हम अपने हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं थैंक यू